हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों को रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है और हम लोगों को एक बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, तो इसी वजह से इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी बिल्कुल सही सभी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि आप ट्रेड को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत से क्वेरीज भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा था। स्टॉक ने यहाँ पे टॉप लगाया, तकरीबन यहाँ पे जो टॉप लगा था वो लगा था आपको समवेयर अराउंड 1465 का जो है 1465 के रेंज में स्टॉक ने टॉप लगाया था, और उसके बाद से कंटिन्यूसली हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो था, इसको ब्रेक करके यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम बाउंस आया। जब गिरावट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाउंस आया, उसके बाद वापस से जो है स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन जरूर किया बट इमीडिएट यहाँ पे 1000 के पास सपोर्ट था, क्योंकि स्टॉक ने यहीं से ब्रेकआउट करके अपना जर्नी स्टार्ट किया था। वापस से सेम लेवल से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1013 का लो लगा था फ्राइडे के सेशन में, और आज के सेशन में 1015 के लेवल का लो लगा, और उसके बाद से एक बहुत ही शानदार तेजी इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिला। तो प्रीवियस स्विंग हाई, जिस स्विंग हाई को ब्रेक डाउन किया था, यहाँ से और सेलिंग आना चाहिए था बट सेलिंग नहीं आया, और यहाँ से जो है बिल्कुल बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात अगर यहाँ पे बात करेंगे तो डेली चार्ट पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिस लेवल को ब्रेक डाउन किया था वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता, उस रेसिस्टेंस को कंफर्टेबली क्रॉस करके क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जिस लेवल से बाउंस बैक कर रहा है, अगर वहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो स्टॉक इससे पहले इस लेवल पर रेसिस्टेंस ले चुका है, और यहीं पर ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% जो है स्टॉक ने वापस से रिट्रेस बैक किया, और अब उसी लेवल से यहाँ पे स्टॉक में बाउंस देखने को मिल रहा है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो फाइनली यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सबसे पहला कंफर्मेशन, दूसरा यहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे। उसके साथ ही अगर यहाँ पे बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्टॉक रिवर्स कहाँ से कर रहा है, तो रिवर्स कर रहा है जहाँ से स्टॉक ने प्रीवियसली ब्रेकआउट दिया था, तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे साथ ही अगर बात करेंगे तो स्टॉक में काइंड ऑफ एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम हिट किया, वापस से यहाँ पे आया, अगेन अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। तो नेकलाइन ब्रेक कर चुका है डब्लू पैटर्न का, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल डेली चार्ट पे, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब यहाँ पे अगर एक और चीज देखेंगे तो ये जो सेलिंग हुआ है ये एक रिट्रेसमेंट मूव है। अब रिट्रेसमेंट मूव में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1000 से 1460 के लेवल को जाने में स्टॉक ने यहाँ पे 6 ट्रेडिंग सेशन लिया, बट सेम लेवल को यहाँ पे नीचे की साइड टच करने में स्टॉक को ऑलमोस्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन लगा। तो यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है, सेलर्स जो है स्लो एंड स्टडी स्टॉक में आपको सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो अब इस स्टॉक में जो है वापस से हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे वीकली चार्ट पे भी जो है 4 वीक के कंटिन्यूस रेड कैंडल के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो है इस वीक में एक अच्छा फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन आज कंप्लीट हुआ है, और फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कल का सेशन जो है वो आपको हॉलीडे है 15 अगस्त की वजह से, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे कल के सेशन में तो ट्रेडिंग नहीं होगा, वेडनेसडे के सेशन में इस स्टॉक में वापस से हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, यहाँ पे इस स्टॉक में क्लियरली हम लोग अगर वेडनेसडे को बिल्कुल सेम लेवल पे ओपन होता है, ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। सपोज अगर 30-40 पॉइंट ऊपर की साइड खुलता है तो ऑलरेडी 3-4% अगर ऊपर खुलता है तो हम लोग वहाँ पे अवॉइड करेंगे।
लेकिन अगर 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हो रहा है आज के क्लोजिंग के प्राइस से, फ्राइडे मंडे के क्लोजिंग के प्राइस से, तो फिर हम लोग इस स्टॉक में एंट्री लेंगे। SL हम लोगों का यहाँ पे डीप होने वाला है, यहाँ पे 1013 का हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की साइड में टारगेट भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हम लोगों का यहाँ पे तकरीबन 115 पॉइंट का होने वाला है, तो ऊपर की साइड में पहला टारगेट जो है यहाँ पे हम लोगों का होगा 1260 का, और 1260 के बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा हम लोगों का यहाँ पे 1450 का। स्टॉक को आपको होल्ड करना पड़ सकता है, नेक्स्ट 7-8 या फिर 10 ट्रेडिंग सेशन भी होल्ड करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कितना जल्दी ये बाउंस बैक करता है, उसके ऊपर हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, बस हम लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो रिस्क होने वाला है वो 115 पॉइंट का यहाँ पे आपका रिस्क होने वाला है, और आपका जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है ऊपर की साइड में, यहाँ पे आपका टारगेट तकरीबन 320 पॉइंट का होने वाला है जो सेकंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे 130 पॉइंट का होने वाला है, तो 1:1 आपका 1260 पे और उसके ऊपर निकलता है, तो फिर इमीडिएटली आपको तकरीबन 200 पॉइंट का मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।